इधर लोकल में ट्राई किया था, हॉस्पिटल ओपन नहीं था प्राइवेट में, तो फिर 108 पे मैंने कॉल किया, 102 पर जो हेल्पलाइन है और 1031 है उस पर मैं कॉल किया था, तो किसी ने रिस्पांस नहीं लिया, मतलब कॉल लगता ही नहीं है अभी भी, तो ट्राई करोगे तो कॉल लगेगा नहीं। मैंने बहुत ट्राई किया, तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने एम्बुलेंस के लिए कॉल करने की कोशिश किया बट कॉल पिक नहीं हुआ। फिर मैंने दिल्ली वुमेन्स पुलिस है उनको कॉल लगाया मैंने, तो उन्होंने पिक किया कॉल और बोला कि मैं अभी विद रजिस्टर करता हूँ आपको कॉल और विद इन 15 मिनट्स में आपको भेज रहा हूँ। फिर रजिस्टर किया मेरा कॉल को और विद इन 18 मिनट्स से 20 मिनट्स के अंदर वो 3 पुलिस के साथ एम्बुलेंस हमारे घर पर आए। लॉकडाउन के बाद से हमारे पास 155 प्रेग्नेंट वुमेन जो लेबर पेन में थी उसको हमारी गाड़ियों ने, पीसीआर की गाड़ियों ने अस्पताल तक सकुशल पहुंचाया है। और सभी जो हमारा जो मेन एम होता है प्रेग्नेंट लेडीज जो हैं उनकी वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से उनकी जो मनोदशा होती है उसको ध्यान में रखते हुए हमारा स्टाफ उनको सकुशल हॉस्पिटल तक पहुंचाता है। और ये हमारी प्रायोरिटी भी है लॉकडाउन के चलते हुए। इस समय सबसे ज्यादा जो जिनके घर में महिलाएं हैं इस तरह से जो आने वाले समय में या इस समय भी लेबर पेन में जा रही हैं हॉस्पिटल्स, वो परेशान हैं घर के वाले कि इस समय उनको कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं है, किस तरह से गाड़ी अरेंज होगी, कैसे लेके जाएंगे, वो बहुत परेशान होते हैं। स्टाफ वेल डेडिकेटेड है, वेल ट्रेंड है उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। गाड़ी में महिला को बैठाते समय वो लोग इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि महिला को आरामदायक स्थिति में लिटाया जाए। रास्ते में भी हमारा स्टाफ उनसे पूछता है कि अगर कोई परेशानी है तो गाड़ी को उसी के अकॉर्डिंगली, क्योंकि गड्ढे वगैरह होते हैं, गाड़ी को उस तरह से वो लेके जाते हैं।